अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त फिल्टर न्यूज लाइव। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी बार बार यही कह रही थी कि जो भी दुकानदार है उनको चाहिए कि वो सीसीटीवी कैमरा लगाए। लेकिन दोस्तों यहां पर आप फुटेज में देख रहे हैं किस तरीके से साउथ कश्मीर में एक दुकानदार को लूटा गया है, और लूटने वाले ने ऐसा तरीका निकाला है, आप देख रहे हैं इसके सर पर जो है छाता है, इसके सर पर छतरी है, तो उसने इसी तरीके से लूटा है दुकानदार को। क्योंकि दोस्तों इसने पूरे जिस्म को इस तरीके से ढका है छतरी से, क्योंकि अगर मतलब दूर मतलब इसका फेस जो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इनके मतलब नजदीकी लोग होंगे, इनके पड़ोसी होंगे, वो तो इसको फिर भी पहचान सकते हैं, लेकिन इसने पूरे मतलब छतरी से खुद को ढक के रखा है। तो दोस्तों इसकी जो पहचान है ये बहुत ही नामुमकिन है। अब मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको कोई दूसरा जो सीसीटीवी मतलब कैमरा है वो चेक करना होगा। दोस्तों ये जो ये चोर है ये बहुत ही बड़ा शातिर है, और इसने यहां पर जो एहतियात किया होगा, तो जाहिर सी बात है जहां पर इसको शक होगा कि सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, तो ये वहां पर भी ऐसे ही मतलब छुपकर चला होगा या दूसरे रास्ते से गया होगा। तो यहां पर दोस्तों ये मतलब ये चोर जो है बिल्कुल डिजिटल तरीके से चोरी कर रहा है। किस तरीके से मतलब अगर इसने मास्क भी मुंह पर लगाया होगा तो फिर भी शायद इसके इलाके के लोग इसको पहचानते हैं, लेकिन इसने यहां पर दोस्तों दूसरा ही तरीका किया है। बाकी दोस्तों फिर भी मतलब अगर अच्छा है कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगाए जाएंगे तो फिर भी अच्छा है, लेकिन यहां पर इस चोर ने कोई दूसरा तरीका निकाला है। बाकी आप अगर इस पेज पर नया है तो इस पेज को आप फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी कश्मीर के रिलेटेड या कश्मीर से बाहर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा वो आप लोगों तक जरूर पहुंचेगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।